हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। आओ मेरे प्यारे गुरमुखों, भैनों, वीरों, बुजुर्गों, आओ विचार करिए कि सतगुर शब्द किनू कहिंदे। सतगुर शब्द वो हुंदा है जिस में शब्द प्रगट होए, और ज़्यादा नहीं आते हैं, वो एक एक बारों बारी आते हैं। जिन्हां दे अंदर शब्द हुंदा है वो सच्चा मार्ग लाते हैं। संसार बेशक उस वेला उन्हें नहीं जानता, पर वो परमात्मा की पूरी शक्ति होंदे हैं। परमात्मा पूरा हुक्म ते फरमान सतगुर शब्द नूं दिंदा है। इस वक्त धरती पर 52 लाख संत ने महाराज की हरबाणी बराबर मुताबक, लेकिन सतगुर शब्द कोई नहीं है। सारे ही मास्टर ने ग्रंथा, वेदां, शास्त्रां नूं पढ़ गए, उहदी व्याख्या करदे ने, अपनी एजुकेशन के हिसाब नाल वो लोगों नूं समझांदे ने, पर सतगुर का हुक्म ते फरमान वो जोत शब्द की तार आती है। वो भरावो वो कदे कदे मात लोग दे विच आंदा है और आगे डंक बजांदा है। सानू पहचानन वाली वो अख चाहीदी है कि वो सतगुर शब्द जदों भी मात लोग दे विच आंदा है, वो पिछली कोई किताब नहीं पढ़ता, वो अपना हुक्म ते फरमान नवा यार करता है, नवा लिखांदा है, वो अपनी हर संगत बनांदा है और संगत नूं अपने नियम कानून दसता है, संगत वास्ते अपना विधान बनांदा है। वो अपना ही नाम बख्शिश करता है जेड़ा कि तो तू आया है। इस करके सानू खोज किसे गुरु अवतार पैगंबर दी उहदी है जेड़ा सतगुरु शब्द होवे। देवियां देवते सारे तरसदे ने कि जदों आए असीं भी तो दर्शन करिए। वीरो इस युग विच वो सतगुर शब्द ते जोत दोनों मिल गया आ गए। इस करके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और कलकल की अवतार वो परमात्मा दोनों मिल गए आए, और ये खेड 994 चौकड़ी युग बाद होंदी है। नहीं तो शब्द गुरु ही मात लोग दे बचांदे रहिंदे ने। अज दी ये ऐसी इस युग में खुश नसीब होए असी, उसने आके कलयुग की जड़ पट्टी सतयुग ला दिता, नवे नियम दस दिते, सेंसे अपना संमत ला दिता, अपनी हर बाणी लिखा दी, अपनी हर संगत बना दी, अपने नवे नियम, रहन सहन, खान पीन, ब्याह शादियाँ, अंतम समा, सब कुछ ही चेंज कर दिता। आओ सतगुर शब्द की हर बाणी विच महाराज जी जो बख्शिश कर रहे हैं, इनू हर बाणी ते पढ़िए, विचारीए ते अमल करिए। ये चंद लाइना ने, ये हर बाणी दिया ने, ये ध्यान नाल सुनना और विचार करना। सतगुर शब्द के मैनू किसे नहीं जाने, हम इको आ जुगादी चक्रवर्ती, चक्रवर्ती बनते रहे ओ जो माटी खाक विच समाई आ। मैं जुग जुग गुरे अवतार पैगंबरां दी लोक मात विच पैवाने नाल नाप के करदा रहा भर्ती, वजन तोल के अपने कांटे उत्ते चढ़ाई आ। जिस तरह फौजिंग भर्ती करते हैं, तत्तां वाली बना के सी के दिंदा रहा वर्दी, नाम खंडा हाथ फड़ाई आ। थोड़ी जी कहानी दसा क्या अपनी ते तेरे घर दी, गुलामां वांग समझाई आ। उन्हां दी अंतर आत्मा रही डरदी, न्यू न्यू सी झुकाई आ। जगत प्लेटफार्म ते उन्हां दी दे परेड रही करदी, हुक्मे अंदर वखरा कदम उठाई आ। अते उन्हां अपने अस्तीफे दी दित्ती अर्जी, सारे कहन साडा वजीफा बंद दे कराई आ। कलयुग दे अंतम सारे अस्तीफा दे दिता, क्यों साडे पिछे हुण बहुते गुरु बन गए फर्जी। इस वेले 52 लाख संत ने
ਫਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਈ ਆ। ਕਲਯੁਗ ਵੇਖ ਅੰਧੇਰ ਗਰਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੌਰੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮਜਲਿਸ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਗਾਈ ਆ ਇਹ ਮਾਲਕ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਕਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਟ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੰਮੀ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਬਿਨ ਅੱਖਰਾਂ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ। ਵਿਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਿਵ ਬੱਚੂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਲਿਖੋ ਭੱਟੀਆਂ, ਬਿਨ ਅੱਖਰਾਂ ਅੱਖਰ ਦੜਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚੱਟੀਆਂ, ਬਚਿਆ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਏ ਆ। ਉਹ ਯੁੱਗ ਚੌਂਕੜੀ ਦੇ ਮਨਵੰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਹਟਵਾਨਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂ ਸਮਝਾਈ ਆ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਦੀਆਂ ਖੱਟ ਲਓ ਖੱਟੀਆਂ, ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਲਓ ਬਣਾਈ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜੋਤ ਨੂਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਸਨਾਈ ਆ। ਬਰਮਾ ਖੋਖੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਸਭ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਤੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤੀਆਂ, ਰਤਨਿਆਂ ਮੁਲਕ ਹੀਰੇ ਦਿਆਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਆਤਮ ਸਭ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ, ਹਥੇਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਦੜਾਈ ਆ। ਨੌ ਸੌ 94 ਯੁੱਗ ਚੌਂਕੜੀ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਮਾਤ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਕਲਯੁਗ 83 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਵਾਰੋਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਤ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰੋਂ ਲਿਖਾ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੋਸ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਲੁਕਾਈ ਆ। 994 ਚੁੱਕ ਜੌਂਕੜੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਖਮੋਸ਼, ਗੁਰੇ ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸੇਵਾ ਜਗਤ ਲਗਾਈ ਆ। ਅੰਤ ਉਹ ਵੀ ਆਲਣਿਓ ਡਿੱਗੇ ਬੋਟ, ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦਿੱਤੇ ਪਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਆ ਜੁਗਾਦ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਗੁਰੇ ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕਾਇਆ ਕੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਆ। ਜੇ ਬਖਸ਼ਾ ਨਾ ਸਾਚੀ ਜੋਤ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਗੋਤ, ਚੋਟ ਸੱਚ ਲਗਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਾ ਸਾਚੀ ਮੌਜ, ਤੇਰੇ ਡਰ ਨਾ ਸਕੇ ਪਹੁੰਚ, ਸਵਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਹੰਢਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਖੋਤ, ਦੁਹਾਗਨ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਨੇਕ ਲੰਕ ਹਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ 9 ਵਿਸਾਖ ਸੈਂਸੇ ਸੰਮਤ 1। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੈਂਸੇ ਸੰਮਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਮਤ ਔਰ ਈਸਵੀ ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸਾ ਆਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਮਾਮਾਂ ਦਾ ਅਮਾਮ, ਉਸਨੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸੰਮਤ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਨ 1965 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਮਤ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ਼, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਹਰਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ, ਇਹ ਭਗਤ ਦੁਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ। ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਤੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਰਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹਰ ਭਗਤ ਦੁਆਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧੀਰਪੁਰ 260 ਨਿੰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਰੋ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰ ਚਲੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਯੁਗ ਹੈ।
इस तू वड्डा सतजुग असीं कहने आ होर किते है ही नहीं है। सतजुग कोलों भी लख गुणा चंगा असीं इत्थे मौजां मार रहे हां कि क्यों साडी जान अंधविश्वास और जिहड़े इस तरह के ऊट पटांग असीं सिस्टम करने आ सारे बंद कर दिते गए। किसे पंडित भाई मुल्ला से ग्रंथी की कोई जरूरत नहीं रही। हर बाणी पढ़ो, अपने आप परमात्मा नाल जुड़ो, ये सारिया गल्लां उसने बख्शिश कर दित्तियां। अज भी जेकर असीं खोजी जा रहे हैं, खोजना बड़ी अच्छी गल है, पर शब्द में खोजो। वो कोई जंगलों में पहाड़ों में खुंदरों में नहीं छुपया, वो सारिया के अंदर है। पर अंदर ता ही मिलेगा जे असीं अपनी अख खोलांगे, जे किते उहदी खोज करांगे। वो परमात्मा अगर एक कदम ही जाइए तो 100 कदम अगे आंदा है। वीरो ये शब्द सतगुर की अज थोड़ी जी बाणी, ये सतगुर शब्द है क्या, है करदा की है, वो किस तरह गुरुआं पीरां अवतारां नूं नाप के भर्ती करदा है, किस तरह उन्होंने 5 तत् शरीर की वर्दी बनांदा है, पोशाके बनांदा है, किस तरह उन्होंने कोलों काम लैंदा है, तो आखिर फिर जिहड़ा उहदा काम हो जांदा है तो फिर उन्होंने किसी नूं दफना दिंदा, किसी नूं जला दिंदा है। पर वो भी हुण सिस्टम एक कर दिता कि सारे संसार का सिस्टम एक होएगा, सारे लोग जिहड़ा भी शरीर छड्डेगा उन्हें जलाएगा, चाहे एक दिन का हो 100 साल का होड्डियाँ नहीं चुकनगे। जे तो असी नॉर्मल तरीके कर लीए तो चंगा है, नहीं तो उसके को सत रंग का डंडा भी है। कुछ दिन पहले एक वीर शरीर छड गया, उन्हों एक जगह शास्त्री नगर संस्कार नहीं कर दिता, उत्थे दे कारपोरेट कहंदे कि कोरोना की बीमारी वाला इत्थे नहीं हो सकता। फिर उस वीर नूं जोगी गेट लै गए, उत्थे भी कोई कारपोरेटर आ गया, उन्होंने नहीं कर दिता, आखिर उन्होंने तवी दे विच उहदा संस्कार कर दिता। तो महाराज ने कहा है कि कोई तुहानूं कब्रिस्तान की जरूरत नहीं है, जिथे भी नदी नाला अपनी जमीन बच्चे भी तुसी कर सकते हो, किसे भी करना, क्योंकि आत्मा की संभाल मैं करनी है। सतजुग लगा रहा है, लगा दिता है, और अपने आप दुनिया समझ रही है कि जो वो लिखा गया है वो 16 ने सच है, तो फिर सच नूं मनना पैना है। असीं खुश होंदे हां कि मालिक तेरा हुक्म जड़ा है वो संसार आस्ते आस्ते वो चलना शुरू हो गया है। हुण लोगों ने चुपरियां बारखियां मोड़ियां मकाना बंद कर दित्तियां ने, हुण वो ब्याह शादियां ठाठ पाठ करना बंद हो गई ने। जिहड़ा लिखिया सी मेरे भगत मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च कदे ना बन, चिरागां विच होवे कल खुदाई आ, उन्हां दी शादियां जिहड़ियां ने 5 जकारियां नाल होणगियां, 5 छेक लगा देंगे, तो वो काम हुण शुरू हो गया है। उसने जो लिखाया है वो बरताना है। महाराज जी कहंदे ने जो मैं लिखा दिता वो मैं बरताना है। आओ महाराज के कुछ बचन ऐसे ने, जे लिखाई पूरी ना होंदी असीं लिखाउंदे क्यों, सारिआं नूं शरण लाउंदे ते नाश दुनिया का किस तरह करदे। मेरिया 2 तारा है ना बोलते हैं, एक नास्तिक ते एक आस्तिक मनन वाले, मैं किस तरह करदा। अगे महाराज जी कहंदे ने जिहड़े तुहानू वेख के हसदे सी हुण तां ही मारनगे। असां मासी ते शराबी नूं तां बड़न नहीं देना होया, अपने डेरे ते नहीं बड़न देना उहनां नूं। जो बचन मूँह कढ़ांगे पूरा करांगे, लोकां नूं लारा नहीं देंगे। महाराज जी इस तरह की बख्शिश करदे ने, एक घर नूं अग लानी होवे ते चोर दसदा नहीं। ईश्वर ने दुनिया का नाश करना होया किस तरह सब कुछ दस देवे। साडा वड्डा बचन एहो है कि तुसां डोलना नहीं। जिथे सिख होंदे ने ते जाके दर्शन देंदे हाँ, गुरमुख ओ होंदे ने जिहड़े भाणे नूं सत करके मनन। अमलिया जोत तां है, जे तां कोई नहीं ना दे दी नहीं महिमा नहीं, साडा नाम तां साडी जोत होई।
जो मर्जी कर डोलना नहीं, दुनिया जो मर्जी करे तुसी डोलना नहीं। महाराज जी अपने बचना विच बड़े बचन इस तरह के लिखांदे ने, चरनाम ते अमृत विच बड़ा फर्क हुंदा जी। बार वाले नूं तां असां रजा छड्या अमृत नाल, बार वाले दे तां अमृत, पर हुण चरनाम दी आ गई। जेड़े इधर लगना उन्हां ही लगना है, जिन्हां नूं दुख ते भुख की मार है उन्हां की लगना है, क्योंकि उनका ध्यान ही कितने उधर रहिंदा। भरावो हुक्म है महाराज जी का, संगत विच एक दूजे के थां बेनतियां ना करया करो। आख्या उन्हां ना मन्या ते फड़े तुसां जाना है। जे किसे सच ने नूं दी बेनती कर दिती, किसे पुत्र दी करती, वह नहीं मने, पर फड़े उन्हें जाना जिन्हें बेनती की। इस करके करया नहीं करो। नीच जी नहीं होंदा, कर्म नीच होंदे। जे शब्द पढ़िया रविदास का, कपड़े मैले सी ते चमड़ा गंदा सी ते विच निरा हीरा लपेटिया होया सी। चिंता होंदी मुराद है, हड्डा बालन बा के सार दिंदी है। वाकया जे कि चिंता होवे तो हड्डा का बालन बन जाता। भरावो जोत रूपी आण के संगत विच बैठे हाँ, संसार विचों जाके कोई नहीं मुड़िया, कोई गुरु पीर अवतार पैगंबर इतों जाके कदे नहीं वापस आया, लेकिन वो उस टाइम गए सचखंड जो वापस आ गए, फिर कहते आगे बैठे हाँ। ईश्वर नूं द्वापर दे वेले भी दुनिया नहीं सी मनदी। एक भगत नूं ज्ञान देन वास्ते गीता ने किन्ने त्याए प्रगट किए सी। अज तो अं कहने अज तो हर साल रात को 12 बजे कृष्ण महाराज पैदा हो रहे हैं, पर वो एक नूं ज्ञान देने वास्ते उसने कितनी ज़्यादा कर दिया। भगत प्रहलाद ने भी प्यो का डर नहीं सी रखिया, तो उहदा प्यो आंदा सी किहड़ा तेरा उस्ताद है, क्योंकि जिहड़े सच्चे भगत होंदे ने उन्हां नूं किसे दा डर नहीं होंदा। मां पुत्त नूं विछोड़ा देंदी है ते ईश्वर भगतां नूं नहीं जे विछोड़दा। जुगा जुगंतर भगतां दी लज्जा रखदा आया है। महाराज जी कहंदे ने धक्के ते अमलिया सानूं भी वजदे रहे ने। पातशाह आ के लोग गालां कढ़दे सी, भरावो ये संसार किसे नूं नहीं बख्शदा। मनमुखां नूं इन्हां हीना ना करो, बेला ना दसो। संसार जिहड़ा इहदे विचों कोई ब्रह्म ज्ञानी तरदा जे, बड़ा मुश्किल जिहा काम है भाई। बाबे होरां लिखिया सी पातशाह जोत सरूपी कार करनगे, बिना नाड़ी तों इह शरीर जे अंदर आए ते चले गए। जिस शरीर विच प्रगट होंदे सी उहदियां नाड़ां भी काम नहीं करदियां। हुण महाराज जी लिखते ने जिथे पति पत्नी का अड़जोड़ होए एहो जिहा होर नरक कोई नहीं। जे पति पत्नी की आपस में ना मने तो धरती विच ओ है सब तो बड़ा नरक, जे उन्हां दी बन जाए तो फिर सब तो बड़ा स्वर्ग। भरावो पातशाह कहिंदे ने जिहड़ा मीना मारे पातशाह दा उहदे मूँह ते शब्द मारिया करो, आखो साडी पातशाह दे चरणां विच लगी रहे। कोई भी बहस नूं ऐसा नहीं करना, अगर कोई सवाल पूछता है उन्हूं शब्द विच जवाब दो। लोकी आंदे सी जलाए दे मगर दुनिया लगी फिरदी है। कबीर ने जवाब दिता जात जलाया ते क्या हुआ, मेरे हिरदे वसे गोपाल। मैं वासी उस देश दा जिते पार ब्रह्म दा खेल, दीवा बले अगम दा बिन बत्ती बिन तेल। क्या होया जे जलाए होए दे, ये वड्याई होंदी जे ईश्वर दी। पशु प्रेत तू देवत बना दिंदा है, पशु ते प्रेतां तू भी देवता बना दिंदा है। ये प्रभु इस नाम दी वड्याई होंदी है।
आखिरी इस महाराज की बाणी है, एक लख ते 80,000 प्रेत जून है, वो भी तो इतों पूरे करने हुए ना। इस करके संगत नूं आंदे रहिंदे हाँ कि प्रेम करो, भला मेहर हो जे ते तेरी मेहर हो जाए, क्योंकि ये भी इतों पूरे करने ने। ईश्वर नूं आलस ते नींदर नहीं आउंदी, नैन मूंद के पए ते पताल विच लक्ष्मी चरण चसदी सी, दिल विच आखन लगे मैं चरण चसदी हाँ ते सुते पए ने, ते फिर आख्या मान ना कर तू बड़े भागां वालीए, जिहड़ी चरणां दी सेवा करदी है ते सारी दुनिया नूं वश कर बैठी है। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। एक एक हरबाणी दा लफ्ज़ जड़ा है, अगर वीरो वाचोगे ये आत्मा ने झंझोड़न वाला है, आत्मा ने जगाउन वाला है और आत्मा दी खुशी वास्ते है। दिल करदा है कि जिन्ने दिन संसार च हाँ महाराज जी दे जिहड़े हुक्म ते फरमान आए ने आप जी नाल सांझे करिए। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय।